बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम उर्दू में न्यूज़ पट्टी चलाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने टेक्स्ट राइट कर लिया है स्वीरा स्कूल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर साइंस मोड़खुंडा कैंपस। तो सबसे पहले इसको हम फॉन्ट देंगे। फॉन्ट के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हम डबल ए पे क्लिक करेंगे। डबल ए पे क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करते हैं तो आपको नीचे उर्दू लिखा हुआ नज़र आ जाता है। यह आपको उर्दू लिखा हुआ नज़र आ जाता है। इसका एक ही फॉन्ट होता है उर्दू रेगुलर, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो ही आप ए पे क्लिक करने के बाद, उर्दू रेगुलर पे क्लिक करने के बाद टिक पे क्लिक करते हैं तो ये आपका अप्लाई हो जाता है। अब उसी तरह हम इसको बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड देने के लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर देंगे। बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करने के बाद हम इसकी को एनेबल कर देंगे। इस तरह जो फुल बैकग्राउंड है इसको भी एनेबल कर देंगे। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। सबसे पहले इसको आप बेसिकली उर्दू और इंग्लिश की न्यूज़ पट्टी में ये डिफरेंस होता है कि उसको हम राइट टू लेफ्ट चलाते हैं जबकि इसको लेफ़्ट टू राइट चलाते हैं। तो ये इनका डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप इस चाबी पे क्लिक कर देंगे। इस चाबी पे जो एनिमेशन वाली चाबी है, इस की पे जो ही क्लिक किया तो एनिमेशन वाला टूल ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आप अपनी पट्टी को पकड़ के राइट टू लेफ्ट ड्रा कर देंगे। या आप दूसरे अंदाज से भी चलाना चाहते हैं तो उस तरह भी आप चला सकते हैं। आप इसको लेफ्ट टू राइट चला लें। सबसे पहले आप अपनी पट्टी को पकड़ें और इसको लेफ्ट टू राइट ड्रा कर दें। बेसिकली यही तरीका होता है कि इसको लेफ्ट टू राइट चलाया जाए। इसके बाद आप इसको पकड़ें, अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएं और प्लस पे क्लिक कर दें। इसके बाद फिर आप अपनी पट्टी को पकड़ें, यानी लेफ़्ट टू राइट आप इसको चलाएंगे। टेक्स्ट को पकड़ा, थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट ले गए, यानी बाएं से दाएं की तरफ ले गए, और फिर नीचे से अपनी वीडियो को पकड़ा और आप आगे की तरफ ले गए। प्लस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, और नीचे वाली पट्टी को आप पकड़ के तो थोड़ा सा इसको भी आगे की तरफ ले जाएंगे। यानी आपने इस प्लस पे क्लिक ही करना होता है। इस प्लस पे फिर क्लिक कर दिया, फिर थोड़ा सा आप अपने टेक्स्ट को बल्कि पहले करेंगे और फिर इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट और फिर इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट और फिर इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब हम इस पट्टी को चला के देखेंगे। टिक पे क्लिक करेंगे जो बेसिकली एनिमेशन वाली है। अब हम इस वीडियो को प्ले करते हैं। आपने देखा होगा जहाँ तक हमने अप्लाई किया है वहाँ तक हमारी पट्टी ने चलना स्टार्ट कर दिया है, न्यूज़ पट्टी ने चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।